उसमें लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की भी जुबानी कोई बात सुने, रोज बच्चों को जो भूखा ही सुना देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज वो सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग चही कहते हैं, भूख तहदीब की आदाब मिटा देती है। सदरे आली वकार, सदरे आली वकार। सर्दियों की ठिठुरती हुई रात, मूल पेटे एक मजबूर माँ अपने नौमलूद बच्चे को ईडी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। उससे पूछा गया, क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं, क्या इस बच्चे की सुस्तियां तुझे रुलाएगी नहीं, क्या इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएगी नहीं। तो कब कपाते हुए होशों से जब मजबूर माँ ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे का भूख से बिलकना मुझे देखा ना गया, कोई इस पर यह कहना बजा बनता है, वो अपने माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहरीर की आदाब मिटा देती है। सदर आली वकार, रोटी के चंद टुकड़ों और काबिले गुजारा दूध की किल्लत से सरपार करने दम तोड़ने वाले इन मजबूर बच्चों का असल मसला इखलाकियात मोहियात है। जब कोई मजबूर बाप गुरबत से तंग आकर अपने मजबूर बच्चों समेत फंदे पर लटक जाए तो उसका असल मसला इखलाकियात नहीं मोहियात है। जब मेरे शहर के हजारों बच्चे स्कूल जाने की बजाय भट्टों पर मशक्कत करें तो उसका असल मसला इखलाकियात नहीं मोहियात है। जब नीचे अस्पताल के सामने रूबत चिड़िया पड़े बुढ़ा शख्स 2 किलो आटे की खातिर अपना खून देखने आ जाए तो उसका असल मसला इखलाकियात नहीं मोहियात है। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, लोग कह रहे थे कि कुछ खा कर मर गया। सदर आली वकार, 2 जमा 4 रोटियों की बजाय 2 जमा 4 रोटियां तो तब होती है जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। बेटी का 4 दीवारी में रहना, खानदान की इज्जत पर कट मरना, ये सब तो तब होता है जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। चांद रोटी की बजाय चांद में चर्रा काटी बुढ़िया तो तब दिखाई देती है जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। और तो और रियाल पर इबादत भी तब होती है जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। राशि खुदा की जात का है, सारा चक्कर तो मोशियात का है। सदरे आली वकार, आइए जमीनी हकाई का जायजा लीजिए। कश्मीरियों को अपने घरों में महसूर हुए सैकड़ों दिन बीत गए। हमने इखलाकियात का मुजाहिरा करते हुए अकवाम मुतहदा में करारदादे पेश किए तो इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत के बजाय हिंदुस्तान की हिमायत की। तो क्या इसकी असल वजह ये है कि हम इखलाकी पसी का शिकार है? नहीं सदरे आला, हरगिज नहीं। इसकी असल वजह ये है कि हम मानसिक तौर पर कमजोर है। वो जिसका एक ही बच्चा हो भूखा 8 पहरों से, वो जिसका एक ही बच्चा हो भूखा 8 पहरों से, बताओ अहले तारीख तुम वक्तन तुम ले कि तख्ती ले। शुक्रिया।